आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री भगवान का प्रकटित बोध। मन झूठ बोल सकता है परंतु शरीर नहीं। आज का चमत्कार। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया से मैं दीपिका हूँ। मैं तमिलनाडु में कोयम्बटूर की मूल निवासी हूँ। मेरे प्यारे श्री सर्वदेव परम ज्योति मेरी हर कामना पूरी करते हैं। मैं भागवत धर्म से युवावस्था से जुड़ी थी। यूथ प्रक्रियाओं में मैं कोयम्बटूर में बीई में मेरिट सीट के लिए प्रार्थना करती थी। जैसे मेरी प्रार्थना थी, मुझे कोयम्बटूर में कॉलेज के बीई ईईई मेरिट सीट में मिली। मेरी अगली प्रार्थना किसी प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए थी। मुझे विप्रो बेंगलुरु से प्लेसमेंट मिली। हमने सह परिवार हवनों में भाग लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही हमें श्री भगवान के व्यक्तिगत दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दर्शन के दौरान मैंने श्री भगवान के सामने अपनी इच्छा रखी। मैंने श्री भगवान से कहा, मेरी ऑस्ट्रेलिया में रहने की बहुत तीव्र इच्छा है भगवान। मेरी माँ ने भगवान से कहा, मेरी शादी के बाद ही वे मुझे निश्चिंत विदेश भेजेंगे, उससे पहले नहीं। श्री भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया। मेरे माता पिता चाहते थे कोयम्बटूर के किसी अच्छे लड़के से मेरी शादी हो जाए। कुछ समय बाद ही ठीक जैसा मेरे माता पिता चाहते थे वैसे ही लड़के से मेरी शादी हो गई। मेरे पति का परिवार हमारे ही मोहल्ले में अगली गली में रहता था और लड़का ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी नौकरी में था। श्री सर्वदेव परम ज्योति के अनुग्रह से मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना और मेरी माता जी की इच्छा कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही मेरी शादी हो, दोनों ही बातें पूरी हो गई। अब मैं कैनबरा में रहती हूँ। श्री सर्वदेव परम ज्योति की कृपा से हमारे दो बच्चे हैं और हम सुख से अपने 4 बेडरूम हॉल वाले बंगले में रहते हैं जो हमने कुछ साल पहले बनाया है। मैंने सरकारी नौकरी की कामना की और श्री सर्वदेव परम ज्योति ने मुझे यह भी आशीर्वाद स्वरूप दी है। मेरी अभिलाषा एक कन्वर्टिबल कार की थी और मेरे प्यारे श्री सर्वदेव परम ज्योति ने मुझे साफ कार दे दी है। अगस्त में मैंने नौकरी में तरक्की के लिए प्रार्थना की और श्री सर्वदेव परम ज्योति ने इसे भी पूरा कर दिया। हमारे परिवार के प्रति आपके असीमित प्रेम और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे श्री सर्व ज्योति परम ज्योति। हम पर प्रेम की इस ढेर सारी वर्षा के लिए आपको किसी भी तरह धन्यवाद करूं कम ही होगा। आपसे बहुत प्रेम करती हूं प्यारे भगवान, प्यारी अम्मा। धन्यवाद।